राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती हैं। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी। डाउनलोड कर सको और यार दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपना ई प्लेयर ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि दोस्तों इस तरह का टेम्पलेट वीडियो आप किस तरह बना सकते हैं। ई प्लेयर ओपन हमने कर लिया है। ई प्लेयर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ सकता है। तो सबसे पहले ई प्लेयर में आपको विजुअलाइजर लोड करना होगा। तो विजुअलाइजर की डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाकर विजुअलाइजर डाउनलोड कर लेना। विजुअलाइजर डाउनलोड करने के बाद विजुअलाइजर आपको ई प्लेयर में लोड करना होगा। तो लोड करने के लिए आपको इस पेंसिल आइकन के सामने जो बॉक्स आइकन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको नीचे लोड फ्रॉम फाइल दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको अपनी फाइल से विजुअलाइजर ढूंढकर ई प्लेयर में लोड करना है। तो विजुअलाइजर का नाम है विजुअलाइजर 23। ये विजुअलाइजर ई प्लेयर में लोड करना है। विजुअलाइजर ई प्लेयर में लोड होने के बाद विजुअलाइजर आपके सामने कुछ इस प्रकार खुलकर आएगा। तो सबसे पहले पेंसिल आइकन को क्लिक करना है, फिर आपको ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे जो इमेज है आप आपको क्लिक करना है और आपको साइड में इमेज का ऑप्शन दिख रहा है आप आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करके आपको नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है और आपको अपने बैकग्राउंड के लिए इमेज यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। तो बैकग्राउंड के लिए इमेज हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ से ये वाली इमेज आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करना है, आपको यहाँ से ये वाली इमेज आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको ब्लर इफेक्ट के नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके आपको यहाँ से ये जेफ लाइट लाइन वाली इमेज यहाँ पे ऐड करनी होगी। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है और आपको अपने यूट्यूब चैनल का टेक्स्ट लोगो यहाँ से ऐड करना होगा।
फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टम इमेज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके आपको यहाँ से ये जेस्ट फ्लाइट लाइन वाली इमेज यहाँ पे ऐड करनी होगी। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टम इमेज पे क्लिक करना है, नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके आपको वापस ये जेस्ट फ्लाइट लाइन वाली इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टम इमेज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहाँ से ये वाली जेस्ट इमेज यहाँ पे ऐड करनी होगी। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टम इमेज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है, आपको वापस ये जेस्ट इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टम इमेज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है, आपको यहाँ से ये बॉर्डर पीएनजी इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कस्टम इमेज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहाँ से ये वाली जेस्ट इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको कंपोजिशन वन के नीचे जो पार्टिकल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जनरल में जाकर इसे यहाँ से विजिबल कर लेना है। सेकंड पार्टिकल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे भी यहाँ से विजिबल कर लेना है। फिर आपको बार के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जनरल में जाना है, इसे यहाँ से विजिबल कर लेना है। सेकंड बार के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जनरल में जाकर इसे भी यहाँ से विजिबल कर लेना है। और दोस्तों हमारा टेम्पलेट वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हम इस वीडियो को एक बार प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा टेम्पलेट वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना होगा, प्रीसेट पे क्लिक करना है। दोस्तों इस वीडियो की क्वालिटी आपको यहाँ से चूज़ करनी है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको सबसे कम एमबी अच्छी क्वालिटी में सेव करनी है तो आपको यहाँ से ये वाली क्वालिटी चूज़ करनी है। बेसलाइन पे क्लिक करना है, इसे यहाँ से मेन कर लेना है। फिर आपको नीचे हाई डेप लोगो पे टिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और दोस्तों आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।